हेलो एवरीवन, तो आप लोगों को मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, वो है ये। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ इस क्यूट से कृष्णा जी का पोर्ट्रेट ड्राइंग है। तो मैं आपको बिल्कुल सेम कैसे बनाना है एंड किस तरीके से आप ऐसा ही पोर्ट्रेट ड्राइंग कर सकते हैं, मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर हम आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इसे बनाना कैसे है। मैं सारी चीजें डिटेल्स में आपको बताते जाऊंगी, जिससे कि आपको काफी सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार राधे राधे कमेंट जरूर करिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर हमारी पोर्ट्रेट ड्राइंग अच्छी लगे तो प्लीज एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है A3 साइज का पेपर, और यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ 6B पेंसिल से और आइस से। आइस का जो इनर पार्ट है लेंस, आइस के लेंस का जो इनर पार्ट है जो कि डार्क होता है, तो यहाँ पर मैं एक राउंड 6B पेंसिल चला रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर चारकोल पाउडर का यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ 6B पेंसिल वापस से, और यहाँ पर मैं आउटलाइन कर दे रही हूँ आँखों के लेंस का, आँख के लेंस का एक बार आउटलाइन कर दे रही हूँ। देन यहाँ पर अब मैं F पेंसिल ले रही हूँ, और जो बाहर का जो पार्ट हो लाइट होता है उसे मैं का यूज़ करूँगी यहाँ पर। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ टिश्यू पेपर, आप कॉटन भी ले सकते हैं, और उसे मैं स्प्रेड कर देती हूँ। पेंसिल के टेक्सचर को हम स्मूथ करने के लिए यहाँ पर यूज करेंगे। उसके बाद मैं चारकोल पेंसिल यहाँ पर यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा डिटेल्स दे देती हूँ यहाँ पर, एंड देन आईलेसेस बनाने के लिए एक बार आउटलाइन कर देती हूँ। वापस से मैं यहाँ पर चारकोल पाउडर जो है वो एक बार डार्कनेस देने के लिए यूज कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ इलेक्ट्रिक इरेजर के थ्रू। आँख के बाहर का जो व्हाइट वाला जो पोर्शन होता है उसे मैं बनाने के लिए यहाँ पर 5H का पेंसिल यूज कर रही हूँ। ज्यादा डार्क नहीं लेना है, नहीं तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। देन HB पेंसिल यूज कर रही हूँ। हमें जो भी यहाँ पर पेंसिल चलानी है बहुत हल्के हाथों से चलानी है, ज्यादा एकदम प्रेशर दे के नहीं चलाना है। आँख के पूरे साइड को, और थोड़ा सा मैं इसे स्प्रेड कर देती हूँ, एंड थोड़ा थोड़ा हम हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा आईज थोड़ा सा दिखने लगा है। अब यहाँ पर मैं 14B यूज कर रही हूँ आई लेसेस बनाने के लिए। अब देखिए बहुत ही प्यारा दिख। तो ये हमारे एक साइड का आँख जो है वो बन गया है। दूसरे साइड का सेम प्रोसेस है। आँखों के पुतले के अंदर वाले पार्ट पे मैंने 6B पेंसिल अच्छे से चला लिया। देन उसके बाद मैंने उसमें चारकोल पाउडर यूज किया। अब मैं 14B से आइस लेसेस का आउटलाइन कर दिया है। थोड़ा सा डिटेल्स देने की कोशिश की है यहाँ पर। है लेंस के जो बाहर का जो पार्ट है वहां पर को भी हम थोड़ा थोड़ा किनारे किनारे पे थोड़ा थोड़ा हम सेट दे देंगे। और अब बारी है हमारे आईब्रोज की, और आईब्रोज के लिए सबसे पहले यहाँ पर F पेंसिल का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास F पेंसिल नहीं है तो आप B का भी यूज कर सकते हैं। छोटा छोटा सा लाइन खींचते जाना है, जिससे कि हमारे आईब्रोज का डिटेल्स आए। हमें ज्यादा डार्क नहीं करना है, तो मैंने थोड़ा सा स्प्रेड कर लिया, और 14B पेंसिल यहाँ पर मैंने यूज किया। अगर आपके पास 14B पेंसिल नहीं है तो आप 10B पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं। सेम तरीके से हमारे दूसरा आईब्रोज है वो भी बन जाएगा, बिल्कुल सेम पेंसिल और सेम मेथड। तो ये मैंने फटाफट से बना लिया है इसे भी। अब उसके बाद हम बेस सेड है, हम उसे देने वाले हैं। तो हम सीधा आईब्रोज के नीचे वाले हिस्से से हम स्टार्ट करेंगे। 6H पेंसिल से स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे ही हम एक राउंड पेंसिल चलाएंगे, स्मूथनेस देने के लिए हम टिश्यू पेपर का यूज करेंगे स्प्रेड करने के लिए। देन यहाँ पर मैं आइस के ऊपर वाले इस हिस्से को
हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर इरेज कर रही हूँ, पर मैं यहाँ पर 7H पेंसिल यूज कर रही हूँ। देन उसके बाद आईज के सामने वाले हिस्से को जहाँ पर मुझे थोड़ा सा ज्यादा डार्क दिखाना है वहाँ पर मैं 2B पेंसिल यूज कर रही हूँ। कोई सा भी ब्रश है आपके पास जो कि थोड़ा सा हार्ड हो उस आप स्प्रेड करने के लिए यूज कर सकते हैं। 2B पेंसिल का यहाँ पर यूज कर रही हूँ। अगर आप चारकोल पाउडर यूज करते हैं कभी भी तो ध्यान रखिएगा कि एक बार उसे किसी टिश्यू पेपर पे या फिर किसी कपड़े से उस ब्रश को अच्छे से पोंछ लें, नहीं तो फिर कहीं पर ज़्यादा डार्क हो जाएगा, कहीं पर बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर नोज़ बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं F पेंसिल ले रही हूँ, आप चाहे तो अगर आपके पास नहीं है तो आप HB पेंसिल भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, क्योंकि इसमें काफी डिटेल्स हैं तो ये एक ही वीडियो में सारी चीजें बता देना पॉसिबल नहीं है, इस वजह से हमने इसे पार्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जो भी क्वेरी आ रही हो प्लीज कमेंट में लिख दीजिए यार, बिना कोई टेंशन के। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बाय बाय, राधे राधे।